नमस्कार, स्वागत है आपका NDTV पर। आप देख रहे हैं NDTV राजस्थान। राजस्थान में बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर चल रहे असमंजस के बीच CP जोशी ने राजस्थान बीजेपी पद से इस्तीफे की पेशकश की। कुछ दिन ऐसा चला और उसके बाद एक नए नाम का ऐलान हो गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने OBC वर्ग से आने वाले राज्यसभा सांसद मदन राठौर को राजस्थान बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। इसके साथ ही राजस्थान में नए अध्यक्ष के नाम के साथ ही बीजेपी प्रभारी और सह प्रभारी की भी नियुक्ति कर दी गई। राधा मोहन दास अग्रवाल को राजस्थान का प्रभारी बनाया गया। विजय राहटकर को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। दरअसल मदन राठौर बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नया नेतृत्व राजस्थान के अंदर मौजूद होगा। बीजेपी के कश्मीर में लाल चौक तिरंगा फहराने वाली यात्रा में भी इनका नाम खासा रूप से सामने आता है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने राजस्थान बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को नियुक्त किया है। इनकी छवि बेदाग है। राठौर प्रदेश बीजेपी के किसी खेमे से जुड़े हुए नहीं हैं। हाँ, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के करीबी माने जाते हैं। बीजेपी के कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने वाले आंदोलन में मदन राठौर ने जिम्मेदारी संभाली थी। उस वक्त यात्रा का नेतृत्व कर रहे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के साथ राठौर ने कंधे से कंधा मिलाकर पैदल मार्च भी किया था, लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। शुरुआत से ही RSS से जुड़े रहे। 1990 के करीब इन्होंने अयोध्या के राम जन्मभूमि आंदोलन में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई थी। उस दौरान उत्तर प्रदेश के मथुरा में इनको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। मूल रूप से राठौर पाली जिले के रहने वाले। 2 जुलाई 1954 को इनका जन्म हुआ। 2003 में पहली बार पाली जिले की सुमेरपुर विधानसभा से विधायक चुने गए। साल 2013 में दूसरी बार विधायक चुने गए। तब उन्हें राजस्थान विधानसभा में सरकारी उप मुख्य सचेतक भी बनाया गया। राठौर का लंबा संगठनात्मक अनुभव है। 4 बार पाली बीजेपी जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। बीजेपी विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया था। उस दौरान उन्होंने जो है कोशिश की कि वो निर्दलीय चुनाव लड़के इस चुनावी मैदान में कूदें। हालांकि ऐसा उन्होंने किया नहीं। बाद में उनको राज्यसभा सांसद बनाया गया और अब पार्टी ने उन्हें पूरे प्रदेश संगठन चलाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी है। मारवाड़ से आने वाले मदन राठौर को बड़ा जिम्मा सौंपा गया है। माना जा रहा है कि OBC वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी ने राठौर पर दाव लगाया है और अन्य पिछड़ा वर्ग को भी इससे साधा जा सकता है। राजस्थान में OBC वर्ग की चुनाव में बड़ी भूमिका रहती है। हार जीत के लिए कई सीटों पर OBC को निर्णायक माना गया है। ऐसे में बीजेपी में मदन राठौर पर दाव चलना अब एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। आगामी दिनों में राठौर में पार्टी के लिए कितने ये वो कारगर साबित होंगे, ये फैसला बीजेपी के लिए कितना कारगर साबित होगा, ये अपने आप में एक सवाल तो बना हुआ है। लेकिन इस नए फैसले से ना सिर्फ बीजेपी बल्कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के अंदर भी हलचल तेज है। हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे जिनके साथ इस पर चर्चा करेंगे कि ये जो बीजेपी में नया नेतृत्व आया है तो इससे कितना अंतर आगामी राजनीति पर पड़ेगा। हमारे साथ प्रियदर्शी भटनागर जुड़े हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता के नाते से, और कांग्रेस ही वो दल है जिस पर इस बात का बड़ा असर पड़ता है कांग्रेस के अंदर कौन नेतृत्व करता है और बीजेपी के अंदर कौन नेतृत्व करता है। दोनों ही पार्टियों पर इस चीज़ का बड़ा असर रहता है। दीप मुखर्जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, शुरुआत करेंगे इसी बात से कि कितना अब ये जो इम्पैक्ट जो पड़ने वाला है अब इस नए फैसले का प्रदेश की राजनीति में, उसको किस रूप में आप देख रहे हैं? एक नया चेहरा, नया नाम, अलग वर्ग से आते हैं, बेदाग छवि है, संगठन के आदमी हैं। ज़रा इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके अगर हम सोचें कि एक व्यक्ति जो संगठन भी चलाएगा और आगामी अभी चुनावों में भी बड़ी भूमिका उनकी रहेगी, अभी उपचुनाव होने, तो किस रूप में बीजेपी ने ये अपना दाव चला है? बिल्कुल, अगर एक सबसे बड़ी बात देखा जाए वो ये है कि मदन राठौर जो है वो मूल OBC कम्युनिटीज से आते हैं और ये OBC कम्युनिटी का सपोर्ट बीजेपी के लिए चुनाव जीतने के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर हम अभी लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें तो उसमें जो 11 सीटें जो मिली है ऑपोजिशन को, तो उसमें भी एक OBC कम्युनिटी कहीं ना कहीं कांग्रेस और बाकी जो RLP या CPIM की तरफ गई है, उसके वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ है। तो ऐसे माहौल में जो है मदन राठौर जी का बनाना प्रदेश अध्यक्ष काफी एक महत्वपूर्ण कास्ट बैलेंसिंग एक्ट के हिसाब से देखा जा सकता है कि एक तरह से OBC कम्युनिटी को एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है यहाँ पे सबसे बड़े जो प्रदेश के पद में। तो अभी अगर हम देखें तो जैसे मुख्यमंत्री ब्राह्मण है, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक राजपूत कम्युनिटी से आते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट कमेंट से दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर आते हैं, उसी के साथ साथ जो CP जोशी पहले वो एक और ब्राह्मण नेता थे प्रदेश अध्यक्ष के पद पर, तो अब उनके जगह एक OBC कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन देके उस पूरे
जो तबके का सपोर्ट को एक लेने का एक अच्छा एक स्ट्रेटेजी है। मगर दीप, इससे अभी भी वो सवाल जिसका सहारा लेकर सीपी जोशी ने अपने पद से इस्तीफा दिया, वो तो अभी भी बरकरार है। दो पद का जो सवाल है वो अब भी बरकरार है। मदन राठौर खुद राज्यसभा सांसद हैं, सीपी जोशी लोकसभा सांसद हैं, तो ये जो दो पद का सवाल है तो अब भी बरकरार है। इस स्ट्रोक से अभी वो जो आधार दिया था सीपी जोशी ने, वो खत्म तो नहीं होता? जी बिल्कुल, देखिए सीपी जोशी जी ने छोड़ने से पहले, रिजाइन से पहले ये आधार दिए थे, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि 2023 में जब उनको बनाया गया था प्रदेशाध्यक्ष, तो उस टाइम भी वो चित्तौड़गढ़ से एमपी ही थे इनकम्बेंट, और इस बार भी वो चुनाव जीते हैं। तो मुझे नहीं लगता दो पद वाला जो इशू है वो इतना कुछ खास महत्वपूर्ण रहेगा। पार्टी का सपोर्ट जो है उनके साथ है, मदन राठौर के साथ, तो अभी वही रहेंगे, इसमें उतना बड़ा इशू नहीं है। मदन राठौर का जो नेतृत्व अब दीप जी रहने वाला है राजस्थान बीजेपी के लिए, अब चांसेस तो अब ये दिखाई दे रहे हैं कैलकुलेटिव अगर हम देखें, क्योंकि वो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, बीजेपी में संगठन के वो नेता रहे हैं, 3 बार जिला अध्यक्ष रहे पाली के, तो ये जो एक टकराव की स्थिति होती है, मुझे लगता है ये भी इससे शायद कम करने का प्रयास बीजेपी ने किया है कि संगठन के पुराने आदमी को जब लेकर आएंगे, जो कि जिसका इसमें, अच्छा दीप भाई बड़ी बात इसमें ये भी है कि केंद्र के साथ भी उनका एक मजबूत नेटवर्क माना जाता है, और फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से आने से संगठनात्मक मजबूती जो उनके पूरे राजनीतिक करियर को जो मिलती है वो काफ़ी मजबूत दिखाई देती है। जी बिल्कुल, अभी अगर हम देखें खास करके लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद, जब सरसंचालक मोहन भागवत जी का जो बयान आया, जिसमें उसमें बीजेपी को कहीं ना कहीं देखा गया, वो मणिपुर के मुद्दे को लेके आए, उन्होंने ये बताया कि किसी भी पार्टी के लिए एरोगेंस जो है वो ठीक बात नहीं है, तो उससे जो आरएसएस के जो कोर जो कैडर जो संघ का है और बीजेपी का नेतृत्व है, कहीं ना कहीं ये भी देख सकते हैं कि ये एक अटेम्प्ट है कि उनके बीच में एक ब्रिज बनने के लिए, कि जैसे भजन लाल शर्मा जो है वो भी आरएसएस के करीबी माने जाते हैं मुख्यमंत्री राजस्थान के, तो प्रदेश का कमान भी एक ऐसे व्यक्ति को सौंपना जो संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, निश्चित रूप से ये जो है पार्टी के आगे के स्ट्रेटेजी के रणनीति के हिसाब से अच्छा है, क्योंकि आने वाले टाइम में उपचुनाव भी आने वाले है, उस टाइम बीजेपी चाहेगी कि संघ के जो कार्यकर्ता जो बीजेपी के सपोर्ट के लिए काफी मेहनत करते हैं जमीन में ग्राउंड में, उनका भी सपोर्ट आता रहे। हमारे साथ शैलेश कौशिक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं अभी शुरुआत में यही कह रहा था कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों ही पार्टियों को इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि दोनों पार्टियों का नेतृत्व कौन कर रहा है, एक दूसरी पार्टियों पर सभी की नजर रहती है। जब कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कितना असर वो देख रहे हैं अब एक नए बदलाव का बीजेपी के नेतृत्व में। लेकिन आप बताइए कि क्या राज्य के इकाइयों को अंदाजा था, बार बार दिल्ली दौरे हो रहे थे नेतृत्व के, क्या राज्य इकाई को अंदाजा लग गया था एक नया नाम आ रहा है, और क्या मदन राठौर का जिक्र आपके मुख्यालयों में कार्यालयों में हो रहा था क्या पहले? देखिए भारतीय जनता पार्टी में नई नई कार्यकर्ताओं को समय समय पर नई तरीके की जिम्मेदारी दी जाना और उनके आगे लाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और जिस तरीके से सीपी जोशी जी ने अपने कार्यकाल में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके नेतृत्व में फुल मेजोरिटी के साथ आई, एक ऐतिहासिक कार्यकाल रहा, और लंबे समय से वो स्वाभाविक रूप से स्वयं ये कह रहे थे, लगभग 3 बार वो इस बात को कह चुके थे, चाहे विधानसभा चुनाव के बाद, चाहे चुनाव लड़ते के समय, कि मैं इतना समय पूरे प्रदेश को नहीं दे पाऊंगा। उन्होंने कहा कि स्वयं चुनाव लड़े तो भी पार्टी आलाकमान ने उनके नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया, और उसके बाद उन्होंने 2-3 दिन पहले भी पार्टी आलाकमान से कहा कि मुझे इस दायित्व से, जिम्मेदारी से मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, मुक्त होना चाहता हूं। तो निश्चित रूप से एक अच्छी परंपरा को उन्होंने निभाते हुए अपनी बात पेशकश की, और भारतीय जनता पार्टी में स्वाभाविक रूप से एक अच्छे व्यक्ति को, ये परंपरा है कि हमारे यहाँ के किसी कार्यकर्ता को किस तरीके से आगे, एक कार्यकर्ता को किस तरीके से कमान दी जाती है, चाहे वो मुख्यमंत्री का विषय हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष का विषय हो। और मदन जी राठौड़ तो एक उलझे हुए नेता है, जो अभी आपके डिबेट में भी चल रहा था कि आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, 4 बार जिलाध्यक्ष रहे हैं, 2 बार विधायक रहे, निश्चित रूप से उन्होंने सत्ता का भी, संगठन का भी। तो क्या कैलकुलेशन आपको क्या लग रहा है, केंद्र ने क्या सोच करके ये बदलाव किया है, क्या लग रहा है राज्य की जो इकाई है, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि आपके कार्यालयों में अगर आप बता पाए कि क्या चर्चा इस वक्त चल रही है। देखिए केंद्र में हमारे यहाँ इस तरीके से किसी विचार को सोच विचार कर नहीं, हर व्यक्ति को जो कार्य करने में सक्षम है आगे लाया जाता है, और उसी प्रक्रिया के तहत मदन राठौड़ जी आज राज्यसभा के सदस्य भी हैं, पुराना विधानसभा का अनुभव भी है, संगठन का लंबे समय तक उन्होंने नई पीढ़ी के साथ और पुराने समय में पुरानी पीढ़ी के साथ, नहीं तो पिछड़ा वर्ग को साधने का प्रयास तो
हो रहा है ना, ये तो दिख रहा है शैलेश जी कि पिछड़ा वर्ग को साधने का प्रयास किया जा रहा है। ओबीसी वोटर से बड़ा वोट बैंक है राजस्थान। भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा है, भारतीय जनता पार्टी एक ढेको आगे चलती है, सबका साथ सबका विकास और सबको समान रूप से साफ लेके चलती है। हम जाति धर्म और उस जाति में विश्वास इस तरीके से नहीं करते कि सब ये जाति का है तो उसका हमें आगे लाना है। आप देखिए लंबे समय तक दोनों पदों पर प्रति सदस्य से ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारे यहाँ कार्य की वैल्यू है, जो कार्यकर्ता है उसको नए संगठनकर्ता के रूप में, नई सत्ता के रूप में आगे लाया जाता है और उसी प्रक्रिया के तहत इतना लंबा अनुभव एक ऐसे व्यक्ति के पास जो दो पीढ़ी लगातार पुरानी पीढ़ी के साथ भी काम किया है और नई पीढ़ी के साथ भी काम किया है, तो आसानी से कार्यकर्ताओं के बीच जिनकी पहुंच है, जिन्हें संगठन का सत्ता का लंबा अनुभव है, ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लाया है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता और समन्वय के साथ राजस्थान की जनता के विकास के लिए लगातार काम करेगी, इसी उद्देश्य के साथ उनको आगे लाया गया है। ठीक है, तो दीप एक बार इसको अगर हम इस जो शैलेश जी ने कहा इसको अगर हम देखें कि बीजेपी जो पोर्ट्रे कर रही है वो तो हमेशा यही कहती है कि भाई हम लोग समानता का भाव ही रखेंगे और हर पार्टी इनफैक्ट यही कहती है कि हम लोग ने जो भी फैसला किया है उसमें कुछ बहुत ज़्यादा जो इनर कैलकुलेशन है उसका जिक्र पॉलिटिकल प्रवक्ता जो है नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगा, आप पत्रकार के नाते से इस डिस्कशन में हैं, ये जो नया नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में, ये राजस्थान की राजनीति के लिए कितना बड़ा एक बदलाव साबित हो सकता है और बीजेपी जो जिस सोच के साथ ये फैसले कर रही है वो कितने कारगर साबित होंगे? देखिए ये तो हर पार्टी की एक लाइन होता है कि वो सबके लिए है, बट जैसे कि हम जानते हैं कि जाति एक बड़ा फैक्टर है राजस्थान की राजनीति में, तो और अगर हम शुरू से ही देखें जब से ये सरकार आई है तो कहीं ना कहीं एक मूल ओबीसी के प्रति एक फोकस रहा है। अगर हम मंत्रिमंडल को देखें तो उसमें भी ऐसे व्यक्तियों को मौका दिया गया है जिन जातियों के पहले रिप्रेजेंटेटिव कम होते थे, जैसे अविनाश गहलोत जो है वो सैनी समाज से आते हैं, माली समाज से आते हैं, उसी हिसाब से कुमावत समाज से हैं, पटेल समाज से हैं, तो मूल ओबीसी के प्रति पहले से ही एक फोकस रहा है। तो ये जो मदन राठौड़ जी का जो नियुक्ति हुआ है तो ये भी उसी क्रम में हम इसको देख सकते हैं। और ओबीसी वर्ग जो है सबसे बड़ा एक पिछड़ा वर्ग जो है, बहुत बड़ा वोट बैंक भी है एससी और एसटी के साथ साथ, तो ओबीसी सपोर्ट किसी भी पार्टी को राजस्थान में या अलग दूसरे जैसे बिहार जैसे स्टेट्स में भी, इस बार बिहार में भी जैसे देखा गया ईबीसी का बहुत बड़ा एक सपोर्ट की वजह से नीतीश कुमार की सीटें काफी बड़ी है इस बार जेडीयू के, तो वैसे ही राजस्थान में भी जो ओबीसी पार्टीज है तो उनके ओबीसी कम्युनिटीज है उनके सपोर्ट से बीजेपी को काफी फायदा होगा और पहले हुआ भी है। और 25 के 25 सीटें जब पहले बीजेपी दोनों बार 2014 और 19 में लेके आई थी उस टाइम पे भी ओबीसी कम्युनिटीज के सपोर्ट का एक ये बहुत बड़ा रीजन था कि इसीलिए वो लाए थे। इस बार कुछ सीटें कम हुआ है तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि मदन राठौड़ जी को जाके लाके जातीय समीकरण को सही करने की स्ट्रैटेजी किया लाया गया है, ये आगे कारगर साबित होती है कि नहीं तो देखना पड़ेगा, बट ये उसी डायरेक्शन में हम कह सकते हैं कि एक स्टेप। ठीक है, और प्रियदर्शी भटनागर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रियदर्शी जी, भारतीय जनता पार्टी में लगातार बदलाव हो रहे हैं और राज्य स्तर पर अब एक नया नेतृत्व होगा मदन राठौर के रूप में। सीपी जोशी साहब इस्तीफा दे चुके हैं, मदन राठौर की नई नियुक्ति हो गई है, नए प्रभारी भी आ गए, आप मुख्य विपक्षी दल हैं और अगले चुनावों में निश्चित रूप से आप ये सोच के अभी से चल रहे हैं कि हम लोग को वापस जीत हासिल करनी है, तो अगर वो करनी है और ये जो फैसला फिर बीजेपी का इधर आया मदन राठौर को नेतृत्व सौंपने का संगठन का, कितना असर इसका कांग्रेस के आगामी फैसलों पर पड़ेगा, आपकी रणनीति पर इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए ये जो फैसला लिया है ये जो इसकी परिणति है ये उसका परिणाम है। जब से राजस्थान में पर्ची की सरकार बनी थी, भजन लाल जी बने थे, फिर उसके बाद में अभी लोकसभा चुनाव के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, तब से ये तय माना जा रहा था कि यहाँ पर सीएम फेस भी चेंज होगा और यहाँ पर इनका पार्टी का नेतृत्व भी चेंज होगा। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे भी नाराज थी, आपको भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक दबाव, तो ये जो परिणाम आया ये शांत करने का प्रयास किया गया, बल्कि इसके और कोई मायने इसके नहीं निकलते हैं। ये तो पहला इन्होंने बदलाव किया, अभी एक महत्वपूर्ण बदलाव और आना है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी स्थिति आने वाली है कि इनको इनका जो मुख्यमंत्री है भजन लाल जी उनको भी चेंज करना पड़ेगा। आप देख लीजिए जो किरोड़ी लाल मीणा जी इस कड़ी के अंदर जो जिस तरीके से अपनी सरकार को घेरने के लिए सत्याग्रह का जो अल्टीमेटम दे रहे हैं, ये सब वही चीजें हैं।
और कुछ जबकि आप बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी के लिए तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नकारात्मक और खिलाफ रही है। आप देख लीजिए राजस्थान के अंदर भजन लाल जी की सरकार आई, भजन लाल जी की सरकार ने आती है सबसे पहला 7 महीने में कोई और काम किया नहीं किया, सबसे बड़ा काम यह किया कि इन्होंने 16 अप्रैल 2024 का एक ऑर्डर था, सॉरी 16 अप्रैल 2021 का एक ऑर्डर था जिसके अंदर इन्होंने कहा था कि पुलिस भर्ती में ओबीसी को जो 5% का जो आरक्षण है सबसे पहले भजन लाल सरकार ने, तो उन सब चीजों को अब रेक्टिफाई करने की कोशिश बीजेपी कर रही है ना। अगर ऐसी चीजें, मैं वही कह रहा हूँ कि बीजेपी अगर ये मान भी रही है कि कहीं ना कहीं उसके वोट बैंक जो है ओबीसी का, पिछड़ा वर्ग का, अगर कहीं जो उसके पास जो एक वोट शेयर था उसमें भी अगर सेंध लग रही है, तो उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। मदन राठौर को बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त करने से क्या वो सब चीज़ें बीजेपी साध पाएगी? दीप जी, ये एक बड़ा सवाल है। शैलेश जी, ये कांग्रेस आरोप यही लगा रही है कि भाई इस बदलाव का जो एक तरीके से सिग्निफिकेंस है वो इस रूप में नहीं देख रही है आपकी विपक्षी पार्टी जो है, कि ये बीजेपी अपने संगठनात्मक मजबूती और अपनी जो चीज़ें हैं जहां सेंधमारी हुई उनके वोट बैंक में, उसको रेक्टिफाई करने, उसको साधने का प्रयास के तौर पे ना देखते हुए कांग्रेस कह रही है ये अंदरूनी उथल पुथल है आपकी पार्टी के अंदर। देखिए राहुल जी, कांग्रेस एक वो पार्टी है जिसने कभी संगठन को आज तक समझा ही नहीं, पर इसका इनका इतिहास गवाह है कि इनके यहाँ केवल अब एक मोहर के रूप में जिस तरीके से खड़गे जी को बैठा दिया है, वरना राहुल गांधी सोनिया गांधी, राहुल गांधी सोनिया गांधी, हमारे यहाँ लगभग 12 राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गए जब तक इनके दो अध्यक्षों के बीच में गोटी चलती रही, कभी इधर खिलती गोटी कभी उधर खिलती। तो इन्होंने संगठन को कभी समझा ही नहीं है, संगठन की मूल धारणा को जानते ही नहीं है। हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि रहता है और एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और आपको जैसे जानकारी भी होगा, तमाम चैनलों पर चल भी रहा है कि हमारे संगठन की चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अच्छा जी, इसमें एक सवाल और, एक सवाल ये भी है जो लगातार बरकरार है कि सीपी जोशी साहब ने अपने इस्तीफे का आधार दिया कि एक व्यक्ति दो पद पर नहीं रह सकता, लेकिन मदन राठौर साहब के साथ तो सेम सिचुएशन है, वो भी राज्यसभा सांसद है, तो ये थोड़ा क्लैश कर रहा है, अगर आप इस पर जरा बता पाए। देखिए राहुल जी, मैं पहले जब कांग्रेस प्रवक्ता के बात करूं, आपकी बात पे जवाब दूंगा, तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि सब इनके यहाँ इस तरीके से जो स्थिति चल रही है, ये स्थिति 5 साल राजस्थान की जनता ने आपके यहाँ देखी है, किस तरीके से सचिन पायलट ने किस तरीके से चाहे वो पदयात्रा निकाली हो, चाहे वो आमरण अनशन किया हो बैठकर, किस तरीके से विधायकों में, किस तरीके से मंत्रियों में सिर्फ पटब्बल हुई। हमारे यहाँ कोई ऐसी स्थिति नहीं है। और जिस किरोड़ी लाल जी मीणा की आप बात कर रहे हो, सत्याग्रह की बात कर रहे हो, आपको ये डर है कि जिस दिन किरोड़ी लाल जी मीणा की ये जो जिस तरीके से रिपोर्ट देकर आए, आपके कितने पुराने मंत्री और कितने मुख्यमंत्री और किस तरीके से आपके लोग जो रीट और जिस तरीके से परीक्षा लीक में आ रहे हैं, ये आपको डर है और आपका डर बाहर निकल रहा है। आप हमारी पार्टी की चिंता मत कीजिए, आप हमारी पार्टी के जो कार्य जिस तरीके से ऐतिहासिक बजट दिया है, जिसके आपके विपक्ष के नेता भी इसको स्वीकार कर रहे हैं। अभी शैलेश जी, अभी बात संगठन के फैसलों पर चल रही है, अभी संगठन के फैसलों पर बात चल रही है, सरकार क्या काम कर रही है वो दूसरी बात है, संगठन में जो फैसला हुआ है जिस पर मैंने आपसे सवाल किया वो बताइए। राहुल जी बिल्कुल, राहुल जी तो मैं बता रहा था कि इनके तरीके जिस तरीके से 5 साल तक इनके चला, तो जिनके खुद के घर कांच के होते हैं वो दूसरे पर सोचने से पहले सोचे। हमारे यहाँ इस तरीके की कोई स्थिति नहीं है, बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से आप देखिए हमारे यहाँ दायित्व का स्थानांतरण होता है, बड़े तरीके से ये कार्यकर्ता ने दायित्व छोड़ा और दूसरे कार्यकर्ता को दायित्व दिया, ठीक है, कहीं किसी तरीके की ठीक है। लेकिन शैलेश जी, दोनों ही कार्यकर्ताओं के पास दो पद हैं, दो पद वाली बात थी, सीपी जोशी के पास पहले दो पद थे, अब मदन राठौर जी के पास है। अब आपके राहुल जी, अब आपके जवाब पर आ रहा हूं मैं, आपने कहा दो पद, नहीं मैंने नहीं कहा, शैलेश जी मैंने नहीं कहा, सीपी जोशी साहब ने कहा था, पहले आप बताइए ये बात कि सीपी जोशी साहब ने कहा था, मैंने नहीं, मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ। आपको ध्यान होगा कि जब जिस वक्त लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुए थे उसके तुरंत बाद भी उन्होंने पेशकश की थी सीपी जोशी जी ने, तब उनको आला कमान ने कहा था कि उस वक्त कहा था कि आप कार्य करते रहिए, और जब लोकसभा चुनाव के दौरान उनको टिकट मिला था तो उन्होंने आगे से कहा था कि चूंकि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ ऐसे पूरे राजस्थान का नेतृत्व नहीं कर पाऊंगा, उसके बाद भी आला कमान ने उन्हें विश्वास दिलाया जगाया और कहा चुनाव लड़िए। अब इस परिस्थिति में आज उन्होंने जिस कल परसों जब भी उन्होंने जाकर आला कमान से मिले और जिस तरीके से इस्तीफे की पेशकश की, तो दो पद की भी बात कर रही थी, बात करती थी कि अब कार्यकर्ता है, नए कार्यकर्ता को दायित्व मिलना चाहिए, नए कार्यकर्ता को दायित्व मिला। अब सीपी जोशी का पार्टी संगठन सत्ता कहीं ना कहीं और ऊपर स्तर पर उपयोग होगा, तो एक स्वतंत्र प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत, कार्यकर्ता को दायित्व के नए कार्यकर्ता को प्रियदर्शी जी से इसका जवाब ले लेते हैं, प्रियदर्शी जी से जवाब ले लेते हैं। प्रियदर्शी जी, मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए बीजेपी के अंदर तो ये हो सकता है कि उथल पुथल हो, लेकिन इस उथल पुथल को थामने के लिए ही कुछ नए फैसले लिए जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बीच में ज़रूर दिखा कुछ एक मनमुटाव सा, लेकिन अब सब चीज़ों को बीजेपी कोशिश कर रही है एक नए नेतृत्व के साथ साधने की। ये नया नेतृत्व, शैलेश जी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कि नया नेतृत्व और भी ज़्यादा प्रभावी साबित होगा, सीपी जोशी साहब का भी था, उनके नेतृत्व में ही संगठन के तौर पर अगर देखें तो भाई बीजेपी वापस से सत्ता में आई, लेकिन अब ये नया नेतृत्व मदन राठौर जी सामने होंगे, आपके पास कौन है उनके
उनके सामने उनकी बात को अपोज करने के लिए, उनके तथ्यों को काटने के लिए कौन नेता है आपके पास राजस्थान में? प्रियदर्शी जी देखिए राजस्थान के अंदर जी देखिए राजस्थान के अंदर माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी से लेकर सारे नेताओं का पुरजोर मजबूती से जवाब दिया है और परिणाम जो वो लेकर आए। आज जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त का नारा देती थी, अब ये हाशिए पर आ गई है। ये सिर्फ गोविंद सिंह डोटासरा जी की जो नेतृत्व क्षमता है कि उसका परिचायक है। तो हमारे सामने ना तो सीपी जोशी कहीं स्टैंड करते हैं, ना इनका कोई मदन राठौड़ जी गोविंद सिंह डोटासरा जी के सामने स्टैंड करते हैं। रोज आपके सामने ऐसे आपके उनके उद्बोधन, ऐसी बातें, उनके जवाब आप सुनते होंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई विकल्प कोई जवाब नहीं रह जाता। अब जो आप बात कह रहे हैं कि इनके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके लिए जो परिस्थिति बन गई है उसको थोड़ा आत्मचिंतन कर लेना चाहिए। आज मदन राठौड़ जी को बनाया है, ये वही नेता है जिन्होंने अभी 2023 के अंदर इनकी पार्टी के खुद के बीजेपी के खिलाफ निर्दलीय पर्चा भर दिया था। फिर मोदी जी को खुद इनको मनाना पड़ा और बाद में इनसे डरकर इनको राज्यसभा का मेंबर भी बनाया था। अब उस कमिटमेंट को निभाने के लिए इन्होंने आज आप देख लीजिए उस विरोध को थामने के लिए वसुंधरा राजे सिंधिया जी को कंसीडर करने के लिए उनके दबाव के कारण, इनकी गुटबाजी को शांत करने के कारण इन्होंने मदन राठौड़ जी को बनाया। आज आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो पर्ची पे इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, उस पर्ची की सौगात आप देख लीजिए। किरोड़ी लाल मीणा जी को ये उम्मीद थी कि उस पर्ची में उनका नाम आएगा। एक बार के एमएलए को तो इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, ये किस अनुभव की, किस पार्टी नेतृत्व की, किस संगठन की बात करते हैं। एक बार का जो एमएलए बना है उसको तो इन्होंने सीधा मुख्यमंत्री बना दिया। और जो पांच पद छह बार, पांच बार जो लोकसभा के अंदर सांसद रहे वसुंधरा राजे सिंधिया जी के सुपुत्र दुष्यंत सिंह को उन्होंने आज तक कुछ नहीं रख रखा, हाशिए पर रख रखा। और ये हमारे पे बार बार बात करते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है। कांग्रेस के अंदर आप देख लीजिए, कांग्रेस में सब कुछ अच्छा है, परिणाम आज हमारे पक्ष में है। लोकसभा चुनाव के बाद हार का समीक्षा करने के लिए बीजेपी बैठी थी, कांग्रेस को हार की समीक्षा करने के लिए बैठने की कतई कोई आवश्यकता नहीं हुई थी। ठीक है, इसलिए बीजेपी को सबसे पहली चीट आज समझ लेते हैं की आवश्यकता है और हार स्वीकारने की आवश्यकता है। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं, समझने की भी आवश्यकता है। प्रियदर्शी जी समझने की भी आवश्यकता है, तो विषय जो है इसको जरा समझते हैं। पुरुषोत्तम भदौरिया जी राजनीतिक विश्लेषक के नाते से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम जी काफी सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। पुरुषोत्तम जी, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के संगठन में नए बॉस के रूप में अब मदन राठौर जी सामने हैं, ये फैसला बीजेपी का कितना असरदार साबित होगा और कितना इम्पैक्ट इसका ओवरऑल राजस्थान पॉलिटिक्स पर भी देखने को मिलेगा? देखिए, बीजेपी प्रयोग करती है, हर वर्ष हर दिन नए नए प्रयोग करती है और उसने उत्तर प्रदेश मतलब राजस्थान में भी वही प्रयोग किया है। जबकि पूर्व में जो अध्यक्ष बनाए जाते थे वो सर्वसम्मत से बनाए जाते थे, उसमें संघ की भूमिका होती थी, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की भूमिका होती थी। अब की बार जो अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं या कहीं कुछ और पदों पर नियुक्ति होती है, केवल तीन लोग चयन करते हैं, चौथा नहीं होता है उसमें। ना क्षेत्रीय प्रचारक की भूमिका होती है, ना वो संघ के प्रमुख की भूमिका होती है, ना वो प्रदेश के प्रमुख की भूमिका होती है। और यही स्थितियां हैं। और जब पराजित हो जाती है तो कार्यकर्ताओं पर आक्षेप लगा दिया जाता है, क्योंकि तालमेल नहीं होता है कार्यकर्ताओं से उनका। तो पुरुषोत्तम जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान के जो क्षेत्र प्रचारक हैं उनकी इसमें कोई भूमिका नहीं रही होगी? क्या उनसे कोई सलाह नहीं ली होगी? क्या उनसे कुछ बातचीत नहीं की गई होगी इस फैसले से पहले? होती, अगर रही होती तो इस विषय पर कहीं ना कहीं पूर्व में भी चर्चा होती। दूसरी बात ये कि जब आप, एक तो सबसे पहली बात यह है और मुख्य बात है, पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी बैकवर्ड पॉलिटिक्स पूरे देश में लागू कर रही है, वही गेम खेल रही है। कल तक बीजेपी पूरे देश में समस्त जातियों को लेकर चलती थी, उसे ही मालूम था कि अनुसूचित जाति में जाटा मुझे वोट नहीं देती, लेकिन कोरी समाज ठीक है। पुरुषोत्तम जी, यही अब वही ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी अपने नए गणित से उन सब पुरानी चीजों को अब साधने की कोशिश कर रही है जिसमें वो बहुत ठीक रूप से सफल नहीं हो पाई थी। आगे वो एक सफल मार्ग ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में ये प्रयोग भी दिखाई दे रहे हैं। दीप, ये जो प्रयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह पुरुषोत्तम जी कह रहे थे, ये प्रयोग अब देखना पड़ेगा आने वाले वक्त में कितने असरदार ये साबित होंगे। लेकिन
बहुत सारी चीजों के बीच अब एक नया प्रयोग बीजेपी ने किया है। अभी आगामी उपचुनाव भी हैं, अभी अभी केंद्र में नई सरकार बनी है, और ऐसे में अब राजस्थान जैसा प्रदेश जिसने अच्छी सीटें बीजेपी के लिए दी, वहां पर अब ये नया बदलाव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या भूमिका इस तरह के बड़े फैसलों में रही होगी आपको लगता है? जी राहुल, देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तो बिल्कुल उनका ओपिनियन लिया ही गया होगा, लेकिन मदन राठौड़ जाने भी जाते हैं कि वो संघ के काफी करीबी हैं। बट अब जब ये बन गए तो एक तो पहला चीज तो ये है कि अभी सरकार बीजेपी की है, तो जब सरकार रूलिंग सत्ताधारी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष जो होते हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष का रोल इन जनरल उससे थोड़ा कम ही होता है जब ऑपोजिशन में होते हैं। जैसे हम देखें ऑपोजिशन में सतीश पूनिया जब हुआ करते थे बीजेपी के प्रेसिडेंट, तो वो उनके बहुत सारे उस टाइम जो पूरे प्रदेश में जो स्टेट वाइड प्रोटेस्ट थे कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ, इसमें हर दिन उनका कुछ ना कुछ कार्यक्रम रहता था। अभी इनके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो मुझे लगता है आने वाला जो उपचुनाव है इसको जीतने का, इसमें सीटें जीतने की होगी, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो इंडिया अलायंस के पास ये सारे सीटें थे जो जिसमें उपचुनाव होंगे, और ये वही सीटें हैं जिसमें से जो कैंडिडेट्स है वो एमएलए थे वो अभी एमपी बन चुके। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे कयास हैं, लेकिन उन तमाम कयासों के बीच एक बात स्पष्ट हो गई, एक नाम स्पष्ट हो गया है, मदन राठौर साहब अब भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान संगठन का नेतृत्व करेंगे। एक नया चेहरा, बेदाग चेहरा, एक ऐसा चेहरा जो कि माना जाता है कि केंद्र के नेतृत्व से भी करीबी रखते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी उनकी खासा नज़दीकियाँ। बीजेपी किया का ये बड़ा फैसला, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। बहुत शुक्रिया दीप मुखर्जी आपका, शैलेश कौशिक साहब आपका भी शुक्रिया, प्रियदर्शी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, पुरुषोत्तम भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़े आपका भी शुक्रिया। तो जिस तरह मैं कह रहा था, एक नया फैसला, नया नाम, बेदाग चेहरा, केंद्र के साथ भी नज़दीकी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि और पिछड़ा वर्ग को साधने का भी प्रयास बीजेपी यहां से करेगी। कितना सफल ये प्रयास साबित होगा आने वाले वक्त में पता पड़ेगा। लगातार हमारी नज़र इस तरह की तमाम राजनीतिक हलचलों पर बनी हुई है।